सो हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज की इस वीडियो में फिर से हम कंप्यूटर टॉप 10 जीके क्वेश्चन जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि इसमें कई सारे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। लगभग इसमें 500 से अधिक क्वेश्चन जो कंप्यूटर से जीके से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आई बटन में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी भी क्वेश्चन का डाउट भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। जरा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए प्लेटफॉर्म, या इसका ऑप्शन नंबर बी डिवाइस ड्राइवर, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेन डायरेक्टरी, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। जरा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए डाटा कोष, या इसका ऑप्शन नंबर बी डाटा डायरी, या इसका ऑप्शन नंबर सी डाटा डिस्क, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाटा डिक्शनरी हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए जस्टिफाइड, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेफ्ट, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक्सेस में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है कराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए टास्क पेन, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रो हेडिंग्स, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉर्मूला बार, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेम बॉक्स हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, फॉर्मूला बार हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, डी ओ सी हो जाएगा। तो आप सबसे उम्मीद है अभी तक इस YouTube चैनल को देख रहे तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और साथ साथ चैनल पे न्यू मेहमान आए हुए हैं तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट भी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो अगर ऊपर भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको कई सारे वीडियो मिल जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। जरा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए टूल्स, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिट हो जाएगा, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पेशल हो जाएगा, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फाइल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए
ट्रांजिस्टर, या इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नेटिक कोर, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन चिप हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए डायरेक्टरी, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूची, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडेक्स, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिक्शनरी हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा डायरेक्टरी हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। जरा आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए स्पेल प्रो, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आउटलुक, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सप्रेस, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेशल चेक, या तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा स्पेशल चेक हो जाएगा। चलिए यहाँ से फिर से हम नेक्स्ट और यहाँ से आखिरी क्वेश्चन के बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए टूल्स, या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाइल हो जाएगा, या इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिट हो जाएगा, या इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेशल हो जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा फाइल हो जाएगा, फाइल मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है। सो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ साथ चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को वॉच कीजिए जो